विफलता का ठीकरा दूसरों पर नहीं फोड़ सकते मुख्यमंत्री जी। बिहार में जो लाखों लोग शराबबंदी कानून के तहत जो आज की तारीख में जेल में है, उनमें से कितने तस्कर हैं बताइए मुझे भाई। आप ताड़ी और शराब, इसमें मुख्यमंत्री जी को फर्क समझ में नहीं आता। और सेम काम आप यहाँ पे आयुर्वेद के डॉक्टर्स के साथ कर रहे हैं, औषधि शब्द को ये लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंह। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने शराबबंदी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से होम्योपैथिक के डॉक्टरों पर जो है वो सरकार बैन लगाती हुई नज़र आ रही है, लगातार जिस तरीके से बिहार में जो स्प्रिट की मात्रा हर अल्कोहल में स्प्रिट की मात्रा होती है, तो साथ ही साथ जो होम्योपैथिक दवाइयाँ होती है उसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है, लेकिन जिस तरीके से बिहार में शराबबंदी है तो सरकार जो उस शराबबंदी में विफल है और उस चीज़ को छिपाने के लिए वो स्प्रिट जो इस्तेमाल किया जाता है होम्योपैथिक डॉक्टरों द्वारा, उन डॉक्टरों के ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके का माहौल अभी बिहार में है, लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो हर जगह पर जो है गोलीबारी हो रही है, कई जगहों का नाम भी उन्होंने लिया और साथ ही साथ नीतीश कुमार से सीधा सवाल पूछा है कि आखिरकार आप मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार के गृह मंत्री भी हैं, इन पूरे सवालों का जवाब दीजिए। जरा सुनिए चिराग पासवान का बयान। अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों पर नहीं फोड़ सकते मुख्यमंत्री जी, ये आपकी नाकामी है कि आपका प्रशासन तंत्र, आप स्वयं अपने इस कानून को धरातल पर नहीं उतार पा रहे हैं, ये आपकी नाकामी। आज की तारीख में भाई आप मुझे बता दीजिए ना, बिहार में जो लाखों लोग शराबबंदी कानून के तहत जो आज की तारीख में जेल में है, उनमें से कितने तस्कर हैं बताइए मुझे, या कितने ऐसे गिरोह के लोग उसमें जेल में बंद हैं जो कि ऐसे गोरख धंधे को अंजाम देते हैं। आज भी आप जेलों में चले जाइए, विभिन्न जिलों में सिर्फ आम बिहारी जेलों में बंद हैं, समाज के गरीब वर्ग से आने वाले लोग जेलों में बंद हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर शराबबंदी की धाराएं लगाई जा रही हैं जो कि देश का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम ऊंचा करने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे वर्ग को टारगेट किया जा रहा है भाई, ये लोग पासी समाज के लोगों को टारगेट करते हैं, पासी समाज के लोगों को शराबबंदी की धारा में इन लोगों ने जेल में बंद किया हुआ है भाई। आप ताड़ी और शराब, इसमें मुख्यमंत्री जी को फर्क समझ में नहीं आता। एक प्राकृतिक पदार्थ है भैया, आप उसको शराबबंदी की धारा में लेकर आ रहे हैं, और जो प्राकृतिक पदार्थ को जो बेचने का काम कर रहे हैं आप उनपे शराबबंदी की धारा लगाकर आप उनको जेल में बंद कर रहे हैं। और सेम काम आप यहाँ पे आयुर्वेद के डॉक्टर्स के साथ कर रहे हैं, औषधि शब्द को ये लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं भाई। ये औषधि है, शराब नहीं है ये, और ये अल्कोहलिक कंटेंट हर मेडिसिन में कम ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। साइंस भैया मैंने भी पढ़ी और जिसने भी पढ़ी है वो जानता होगा इस बात को कि सीमित मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पर उसी को हाईलाइट कर कर आप ना सिर्फ होम्योपैथिक को बदनाम करने का आप काम कर रहे हैं, बल्कि अपनी विफलता शराबबंदी से जो आपकी विफलता हो रही है, और यही कारण है भैया जहरीली शराब से कोई मर रहा है, और वहां का एक वरिष्ठ अधिकारी बयान दे रहा है कि भैया इसमें होम्योपैथिक दवाई का लेना देना ताज्जुब की बात हो रही है। ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसे हल्के बयान देते हैं, और जो समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं बची है, और ये राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये हकीकत है। क्या छपरा की घटना मामूली घटना है भाई? एक के बाद एक बिहार में अक्षम्य अपराध हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं। मधुबनी की घटना, एक बच्चे से विवाद, उसके सामने उसके माता पिता को गोली मार दी गई। आरा में हम गए थे उस दिन, एक बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले वृद्ध दंपति की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। कल हम छपरा में उस युवक से भी हम मिले जिसमें से एक युवक बचा, बाकी दो क्या उसमें निधन हो गया। उस युवक ने बताया कि भैया किस तरीके से हम लोगों को हथौड़े से पीटा गया, बताइए क्या ये सभ्य समाज है? हथौड़े से आप लोगों की पिटाई कर रहे हैं, परिणाम स्वरूप दो लोगों का उसमें निधन हो गया, जो एक बचा भी है वो भी कैसे डर के साय में जी रहे हैं। बताए ना मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप समाधान यात्रा पर निकले, क्या समाधान है उनके पास बिहार में बढ़ते इस अपराध को लेकर? और भाई सवाल तो आपसे पूछे ही जाएंगे ना, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ
आप मेरे प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, ये सवाल आपसे बनता है कि कितनी और हत्याओं का इंतजार बिहार करेगा। आज सुबह की घटना चेन स्नैचिंग को लेकर, चार लोगों को गोली मार दी जाती है दिन दहाड़े पटना में। आप बताइए ऐसे में क्या बिहार में रहना आज की तारीख में किसी के लिए भी सुरक्षित है? इतना असुरक्षा का अभाव, और ये वही मुख्यमंत्री है ना भैया जो जंगल राज के खिलाफ अपने आप को विकल्प बताते हुए आए थे। भाई मेरी उम्र के युवा को नहीं पता कि 90 के दशक में कैसा जंगल राज था, नहीं था, पर आज की तारीख में जो है वो महाजंगल राज से भी बढ़कर है। आज की तारीख में बिहार में जो कानून की व्यवस्था है वो महाजंगल राज से भी बदतर वो व्यवस्था है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की खामोशी, सवाल पूछे मुख्यमंत्री जी से कोई भी, बक्सर में किसानों को लेकर सवाल पूछे, भैया अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं, आरा की घटना के बारे में पूछे, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं, अभ्यर्थियों के बारे में पूछे, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। भाई जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को ना शिक्षक ना छात्र ना यहाँ पे डॉक्टर्स के बारे में ना यहाँ पे किसानों के बारे में ना यहाँ पे अभ्यर्थियों के बारे में किसी के बारे में आपको मालूम ही नहीं, आप जाके पूछिएगा भी क्या दिन दहाड़े गोलियां चली हैं कैसे चली, छूटते ही उनका जवाब होगा अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं। तो भैया जिस मुख्यमंत्री को अपने प्रदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं, क्यों बैठे हैं वो फिर इस पद पर? और अगर आप सत्ता के लालच में ऐसे ही बैठे रहिएगा मुख्यमंत्री जी, 2020 में बिहार की जनता आपको तीसरे नंबर पर ले आई थी, कोई नहीं चाहता था कि आप बिहार का मुख्यमंत्री बने, दूसरों की कृपा पर आज आप बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, अगले अगले चुनाव में आपकी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाएगी ये दावा मैं करता हूँ।